जोहार नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग झारखंड की राजधानी से दूर लगभग 55 किलोमीटर सुदूर घना जंगल में सैर सपाटा के लिए निकले हैं। दोस्तों अभी हम लोग बुड़मू ब्लॉक से पिपरवार के रास्ते जा रहे हैं। देखिए थोड़ा बादल, मौसम खराब होने के कारण साफ दिख नहीं रहा है। घना जंगल भी है। देखिए देखिए कितना सुंदर भव्य, सूरज की रोशनी हम तक पहुंच नहीं पा रही है, थोड़ा अंधेरा थोड़ा लग रहा है, मौसम थोड़ा खराब, बादल भी है। दोस्तों एक छोटा सा पॉन्ड भी दिख रहा है, काफी सुंदर है। जंगल की ओर से हम लोग गुजर रहे हैं, देखिए पॉन्ड भी एक दिखा, बादल थोड़ा छाया हुआ है, बहुत सुंदर है। बाजार भी लगता है रास्ते में, सूरज की रोशनी हमारे तक पहुंच नहीं पा रही है, अब कुछ साफ नजर आ रहा है। दोस्तों झारखंड की खूबसूरती, घोर घना जंगल से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। काफी रोमांचक, झारखंड की असल खूबसूरती देखिए देखने को मिल रहा है। आज का वीडियो काफी रोमांचक होने वाला है। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। आज हम लोग एक विशेष झारखंड का टूरिस्ट स्पॉट कहिए, झारखंड पर्यटक स्थल कहिए की ओर जा रहे हैं। आगे चलते हैं। नहीं बाएं चढ़ना है, यहीं पे होगा। अच्छा इसी में। दोस्तों आगे कुछ दूरी पर मिलने वाला है हमारा टूरिज्म स्पॉट, वहाँ पहुँच कर ही आपको विशेष जानकारी आपको देखिए दिखा रहे हैं। दोस्तों देखिए टूरिज्म स्पॉट पहुँच रहे हैं, चढ़ रहे हैं दोस्तों, टूरिज्म स्पॉट पहुँच चुके हैं हम लोग। देखिए कुछ चहल पहल भी दिख रहा है। अब हम लोग प्रोजेक्ट पहुंच चुके हैं, यहाँ पार्किंग की व्यवस्था है, गाड़ी पार्किंग में लगा दिए हैं, यहाँ पे लोकल लोग पार्किंग की व्यवस्था देख रहे हैं, विधि व्यवस्था। नीचे हम लोग टूरिज्म स्पॉट पहुंच रहे हैं। दोस्तों देखते हैं कौन सा टूरिज्म स्पॉट है, हम भी पहली बार ही आ रहे हैं। दोस्तों चहल पहल कुछ दिख रहा है, देखिए कुछ बैठने का भी जगह है बनाया हुआ है, एक मंदिर है पूरा निर्माण नहीं हुआ है, पूजा पाठ लेकिन होता है। काफी सुंदर
मंदिर है, लेकिन अभी ये इसका सुंदरीकरण बाकी है। यहाँ बोर्ड लगाया हुआ है, देखते हैं कौन सा है। हाँ दोस्तों, ये है तिरु वाटरफॉल। झारखंड की राजधानी से 55 किलोमीटर दूर ये तिरु वाटरफॉल काफ़ी सुंदर घर गन्ना जंगलों से पूरा पटा हुआ है दोस्तों, काफ़ी सुंदर आकर्षक। देखिए दोस्तों, ये ऊपर का नज़ारा है, घोर घना जंगल। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जंगल एकदम चारों ओर से घिरा हुआ है। देखिए कुछ सुंदरीकरण हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ कमी है, लेकिन ये स्पॉट पिकनिक स्पॉट के लिए बहुत ही फेमस। यहाँ मेला भी लगता है दोस्तों, टुसू मेला कहते हैं जिसे। देखिए अब हम लोग झारखंड की राजधानी से 55 किलोमीटर दूर तिरु फॉल की ऊपरी हिस्सा की ओर जा रहे हैं दोस्तों। हम लोग चाहते हैं कि आपको इस फॉल की पूरे डिटेल आंखों देखा दर्शन कराएं। ये फॉल का ऊपरी हिस्सा है दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं ऊपर से, पहले आपको दिखाएंगे, उसके बाद हम लोग निचला हिस्सा जाएंगे दोस्तों। ऊपरी हिस्सा जा रहे हैं जहाँ से पानी गिरता है। अभी थोड़ा फागुन का महीना में पानी कम रहता है, लेकिन बरसात होने के बाद इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है और टूरिज्म का तांता लगा हुआ रहता है दोस्तों। लेकिन अभी बरसात नहीं है, इसलिए पानी भी कम होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कितना पानी है। ये वाटरफॉल का ऊपरी हिस्सा है दोस्तों। देखिए यहाँ एक पंचायत भवन टाइप का घर भी बना हुआ है। यहाँ पे टूरिज्म आते हैं तो विश्राम करते हैं, आराम भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए पंचायत भवन टाइप का है, इसमें कुछ लिखा हुआ भी है, साफ से नजर नहीं आ रहा है हमको, लेकिन बजरंग बली का कुछ लिखा हुआ है। मंदिर भी है, पूजा पाठ भी यहाँ होता है। आगे बढ़ते हैं, काफी घना जंगल है, बरसात में यहाँ का दृश्य कुछ और होता है, और खास करके नया साल में 25 दिसंबर आसपास काफ़ी यहाँ टूरिस्टों का भीड़ तांता लगा हुआ रहता है दोस्तों। अगर आप ये फॉल ना आए हैं तो ज़रूर आएँ, काफ़ी सुंदर झारखंड का लोकप्रिय स्थल। देखिए यहाँ महावीर जी का पताका भी लगा हुआ है, यहाँ पूजा पाठ भी होता है दोस्तों। देखिए बजरंग बली जी का। आगे बढ़ते हैं, एक बोर्ड भी लगा हुआ है, झारखंड टूरिज्म का है। यह है झारखंड पर्यटक जलप्रपात। अब जलप्रपात के ऊपरी हिस्सा में हम पहुंच ही गए हैं, आगे दिखाते हैं आपको आंखों देखा हाल। ये जलप्रपात का ऊपरी भाग है, बस कुछ ही देर में है, पहुंचने ही वाले हैं। काफी मेहनत करना पड़ रहा है दोस्तों, पैर और पूरा दर्द दे रहा है एकदम।
बरसात न होने के कारण थोड़ा पानी मौसमी नदी है, बरसाती नदी कहिए। देखिए यहीं से पानी गिरता है, काफी सुंदर पिकनिक स्पॉट, सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए यहाँ से नीचे का नज़ारा भी दिख रहा है, कुछ यहाँ से पानी गिरता है। देखिए काफी सुंदर पिकनिक स्पॉट, झारखंड टूरिज्म कहिए। देखिए एक झीलनुमा है, इसमें लोगों का कहना है कि 7 खाटी का रस्सी इसमें डालने पर भी इसका जमीनी स्थल दिखता नहीं है। देखिए यहाँ कुछ पूजा पाठ भी हमेशा सालों भर होते रहता है। देखिए बहुत गड्ढा है, लोगों का कहना है 7 खाटी का रस्सी समझ लीजिए कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा दाह है इसके पहले। इसके नीचे दाह के नीचे ही पानी गिरता है। देखिए कुछ पर्यटक खूबसूरती का नजारा ले रहे हैं और नीचे हम लोग उतरते हैं। देखिए अब हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं दोस्तों, सीढ़ी से। सीढ़ी 350 सीढ़ियाँ यहाँ लगी हुई है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा मोटा मोटा सीढ़ियाँ हैं। हम लोग नीचे जा रहे हैं दोस्तों, देखिए काफी सुंदर पर्यटक स्थल है। देखिए रेलिंग भी लगा हुआ है, काफी पर्यटक चहलकदमी भी कर रहे हैं। जंगलों से भरा, चारों साइड से घिरा हुआ एक दर्शक यहाँ हमारे साथ हैं। देखिए कह रहे हैं कि बहुत नीचे है गड्ढा, लेकिन काफी उत्साह के साथ स्पोर्ट का नजारा ले रहे हैं। नीचे बढ़ते हैं, निचला स्पोर्ट पे हम लोग को जाना है, देखते हैं सीधे पाही चल जाते हैं। देखिए नीचे का नजारा और भी खूबसूरती भव्य है तिरु फॉल। फिर से आपको रिपीट करते हैं, ये तिरु फॉल है दोस्तों, तिरु वाटर पार्क। हिने ला रही है थी, मरखी को करा रही हो? नहीं 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 नहा के नहा नहा बहुत सदिया मेरे टू पका दी। झारखंड के सभी जलप्रपात, हुरू जलप्रपात, दशम जलप्रपात, बहुत तरह के जलप्रपात देखे होंगे, लेकिन ये जलप्रपात भी झारखंड में बहुत ही फेमस है, झारखंड का पिकनिक स्पॉट। देखिए पूरा घना जंगल, आकर्षक। कुछ देर बाद हम लोग नीचे पहुंचने वाले हैं, नीचे का स्पॉट दिख रहा है। कसरत भी है तो बैठो बैठो। सीढ़ी काफी मोटा मोटा है, चौड़ा जिसके लिए। आगे बढ़ते हैं, वीडियो में बने रहिए, काफी रोमांच होने वाला है। मेरा कोशिश है कि कुछ ऐसे जगहों का दर्शन कराएं जहां कल आपका जाना दुर्लभ है। पानी गिर गया है, थोड़ा सा काफी घना जंगल होने के कारण सीढ़ी में पत्ता उत्ता बिखरा पड़ा है।
राजेंद्र यादव। नीचे बढ़ते हैं। हाँ जा भाई की। हम लोग अथी होडरू फॉल में हम लोग उतर के चढ़ गए थे ना के। काफी सुंदर है, देखिए सुंदरता। आगे चलते हैं। ज्यादा दूरी नहीं है अभी, देखिए दूर से नजारा। जंगल यहाँ लोगों का कहना है काफी जंगली जानवर भी रहते हैं। अति सुंदर, देखिए दूर से जलप्रपात का नजारा बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर। अब हम लोग निचले का हिस्सा पहुंच ही चुके हैं दोस्तों। देखिए पानी जहाँ पे गिरता है वहाँ पे छोटा सा तालाब टाइप का पॉन्ड जिसे कहिए, पहुँच चुके हैं। देखिए बहुत सुंदर निचला हिस्सा का नजारा है। आ रहे हैं, देखिए बहुत सुंदर। कुछ पर्यटक यहाँ पहुंचे हुए हैं, देखिए इनको कहना है बहुत थक गए का जी, देखने लायक है जगह, पूरा थक गए ना। और नीचे हम लोग जहाँ पानी गिरता है वहाँ का स्पॉट पहले चलते हैं आप लोग को। आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्त पहुंच चुके हैं, देखिए यहाँ निचला हिस्सा में काफी पिकनिक स्पॉट सुंदर है। देखिए पॉन्ड है छोटा सा, ऊपर से पानी जो गिरता है, देखिए सुंदरता है कितना ऊपर से गिरता है उसको। देखिए मोटा मोटी 500 मीटर होगा दोस्तों। देखिए बरसात में इसका नज़ारा कुछ और ही रहता है दोस्तों, काफ़ी सुंदर आकर्षक। बरसात में ज़रूर एक बार इस जलप्रपात का दर्शन करें, काफ़ी सुंदर है, मनोरम है। झारखंड के घोर घना जंगलों में देखिए कैसा पानी, पानी अभी थोड़ा गर्मी का मौसम है इसलिए पानी कम गिर रहा है। बहुत सुंदर, देखिए निचला हिस्सा है ये काफी सुंदर है, हरा भरा झारखंड की खूबसूरती। झारखंड टूरिस्ट में कहिए जो समझिए। देखिए यहाँ आराम से पारिवारिक पिकनिक स्पॉट, चलो काफी बैठने उठने का जगह भी है, सुंदर है। देखिए एक बार जरूर यहाँ का आकर इस स्पॉट का मजा लें। ग्रीन झारखंड ये रांची का ही हिस्सा है, गुड़मुख क्षेत्र में ये जलप्रपात है, रांची से मात्र 55 किलोमीटर दूरी पर। देखिए कुछ टूरिस्ट कुछ कर रहे हैं, चढ़ने का दे रहे हैं थोड़ा, काफी सुंदर निचला हिस्सा है तो हम लोग धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ते हैं। कहाँ करेंगे जी, बैर बैर चुनना है तो। अच्छा अच्छा उसमें डालिएगा पर्यटक। चलिए बहुत अच्छा, बेचारे थक चुके हैं।
बहुत अच्छा, और चिकना चिकना मिलेगा उधर। हाँ दोस्तों, चढ़ने में तो बहुत मजा आ रहा है, लग रहा है कि पैरों में जंजीरें बांधा हुआ है। हाँ, कुछ आराम भी किया जाए, आराम करते हुए चल रहे हैं दोस्तों। बहुत ही सुंदर झारखंड का खूबसूरत पर्यटक स्थल है दोस्तों। देखिए सांस फूल रहा है, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है जी। देखिए सब बैठ बैठ के रेस्ट कर करके चढ़ रहे हैं। उतरने में तो कुछ अच्छा ही लगा, चढ़ने में लेकिन ज्यादा ही अच्छा लगा है। पैर हाथ जंजीरों से जकड़ा हुआ है, फिर भी हम लोग अपना हौसला कम नहीं कर रहे हैं दोस्तों। कुछ देर बाद हॉल के टॉप पे पहुंचने वाले हैं। इसके बाद काफी भूख भी लग रही है। देखिए को साफ रखने अपने चित्र जो भी है पर्यटन स्थल को साफ सुथरा बनाए रखे। मैं एक बार जरूर से जरूर इस पर्यटन स्थल का निर्माण करें, काफी सुंदर काफी आकर्षक है। जलप्रपात देखिए बैठने का कुछ जगह है, बैठेंगे आराम करेंगे नाश्ता पानी करके। धन्यवाद, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और भी अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, सांस फूल रहा है।